Hello friends, welcome to Shivam Online Knowledge Academy. Friends, today we will discuss mechanical engineering MCQ for upcoming technical exam, right? So let's we start now. First question, what will cause if the nozzle touch the molten pool, right? माने अगर आपकी नोजल टच करेगी मोल्टन पूल को तो क्या होगा, राइट? सो एट दैट टाइम बैक फायर विल बी प्रोड्यूस. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर, राइट? यहाँ पे जो वेल्डिंग डिफेक्ट आपको दिख रही है वो क्या है? तो इस वेल्डिंग डिफेक्ट को हम कहेंगे दिस इज द अंडर कट. विच इंटरनल डिफेक्ट वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई, राइट? हम हमारी आँख से जिस वेल्डिंग डिफेक्ट को नहीं देख सकते हैं वो वेल्डिंग डिफेक्ट कौन सी है, राइट? तो स्पैटर हम देख सकते हैं, अंडरकट अभी हमने आगे जो देखा वो, और स्ट्रे आर्क. बट पोरोसिटी जो है वो इंटरनल है और हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, राइट? इसलिए हमें उसका एक्सरे करना होगा, राइट? पोरोसिटी को हम हमारी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. Why humming sound effects during arc welding? जो welding के दौरान humming sound आता है वो क्यों आता है? Because the arc length long arc length के वजह से जो humming sound जैसे effect produce होती है. Which factor determine the current setting during welding? Right? तो हमें जो current का setting करना है, current कितना pass होना चाहिए, ये कौन सा factor से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? सो वो है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट? सो इलेक्ट्रोड का डायमीटर क्या है, उस हिसाब से करंट जो है उसकी हम सेटिंग करेंगे कि कितना हमें रखना है. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर? तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो है वेल्डिंग में यूज़ होता है, तो उसका डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, राइट? सो नॉन फेरस मेटल है उसमें हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर मशीन से वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? फेरस मेटल में ही यूज़ होगा. सो डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर? सो एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का मेन फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर. इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर. व्हाट इज़ द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट? सो स्टोरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ब्लैक कलर का होता है, राइट? और उसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो है 7 meter cube. विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, राइट? सो आर्क वेल्डिंग मशीन कौन सा है? रेक्टिफायर सेट. विच टाइप ऑफ फिलर रोड इज यूज इन गैस वेल्डिंग? तो गैस वेल्डिंग में जो फिलर रोड यूज होता है, राइट? अगर हमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल है और उसका गैस वेल्डिंग करना है तो कौन सा फिलर रोड हम यूज करेंगे? तो उसमें आएगा कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, राइट? सो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील फिलर रोड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील. व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकलिंग? तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा रिवेट्स का जिसके वजह से बकलिंग ना हो? तो वो है 3D. व्हाट इज़ द यूज ऑफ बैंड स्निप्स, राइट? सो जो बैंड स्निप्स है उसका मेन यूज़ क्या है? तो सर्कुलर में जो हमें कटिंग करना है तो हमें बैंड स्निप का इस्तेमाल करना होगा. विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क? विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क? सो वो मेटल है, वेरी सॉफ्ट मेटल इज द लीड. Which tool is used to make fluid tight joint by pressing the riveted edge plate? Right? तो fluid tight joint, तो कौन सा tool use होगा? Fullering tool. Which flux is used for soldering tin sheet? Tin की sheet है, right? और उसका soldering करना है, तो कौन सा flux use होगा? Zinc chloride, right?
zinc chloride is used as a flux into soldering of tin sheet. Name the tool used to make fluid tight joint in riveting. आगे हमने देखा fullering tool. What is the maximum cutting capacity of snip? Right? आगे हमने जो snip देखा right? Circular cut करने के लिए कौन सा use होता है? तो ये maximum cutting capacity कितना है snip का? So 1.2 mm thickness ये maximum cutting capacity है snip की. Which rivets are used in light assembly work? Right? Light assembly work है, not आपको याद रखना यहाँ light और heavy assembly work दो होता है. तो जो light assembly work है उसमें जो rivet use होता है वो है conical head rivet. और heavy structural work अगर हमें करना है उस वक्त rivet use होगा pan head rivet. Conical होगा light assembly work में और heavy structural work में ही होगा pan head rivet. Which plugs used for soldering steel? Steel का जब soldering करना है उस time जो flux use होगा वो है ammonium chloride. What is the material of solder? तो आपको पता होगा solder जो है हम soldering जब करते हैं उसमें pure metal use होता है, right? So the material of solder is pure metal और या फिर वो दो material में से बनाया हुआ कोई alloy होगा. Which sheet metal is highly resistant to corrosion and abrasion, right? तो इसमें से aluminium जो है वो highly resistant है किसके अंगेंस्ट में? Corrosion and abrasion. Which cutting fluid used for drilling in cast iron? Cast iron में जो cutting fluid use होता है वो है dry air jet, right? Confuse होने की जरूरत नहीं है. Dry air jet is used as a used for drilling in cast iron. Why ribs are provided in the angle plates? आपने angle plates देखा होगा उसके बीच में एक ribs दी होती है. आपने drawing बनाते time भी ribs को आप जरूर draw करते हैं. तो angle plate में ribs देने का main वजह जो है वो prevent distortion. Ribs के वजह से angle plate में distortion नहीं आएगा. Why marking table are made up of cast iron? जो marking table है वो cast iron में से बना होता है because cast iron की एक properties है वो है self-lubricating. So self-lubricating होने के वजह से marking table जो है वो cast iron के बने होते हैं. What is the principle of micrometer? इसमें काफ़ी confusion हो जाता है काफ़ी बार, लेकिन याद रखना micrometer का principle है screw and nut. What is the use of bevel protector? Bevel protector is used for measure the angle. What is the purpose of slots provides in the slotted angle plate? Slotted angle plate आपने देखी होगी उसमें जो slots दिए होते हैं वो job को clamping करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. What is the use of tri-square? तो tri-square का इस्तेमाल होता है to check right angle. तो friends आज हमने 25 plus MCQ discuss किए. Thanks for watching.